हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि मेहता, कुक एट होम विद निधि मेहता में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ मसालेदार सूखे काले चने। ये नवरात्रि में, अष्टमी और नवमी में प्रसाद में भी बनाए जाते हैं और ये खाने में बहुत ही न्यूट्रिशियस होते हैं। मसालेदार सूखे काले चने बनाने के लिए मैंने ये लिए हैं 2 कटोरी चने, जिनको मैंने रात भर पानी में भिगो दिया था। पहले भिगोने से पहले मैंने इसको 2 बार पानी से धोया और उसके बाद भिगोते टाइम मैंने इसमें 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा भी डाला था। सुबह इसको अच्छी तरह से मैंने पानी से दोबारा से 2 से 3 बार धो लिया है और फिर उसके बाद इसको हमने कुकर में बॉईल किया है। बॉईल करते टाइम मैं एक सीटी जब आ जाएगी तो उसमें उसके बाद हम गैस को सिम कर देंगे आधे घंटे के लिए, और बॉईल करते टाइम इसमें 3 टाइम्स पानी डालना है। प्रेशर खुलने के बाद हम इसको इसका पानी जो है वो ड्रेन कर देंगे और ये इस तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे बिल्कुल। उसके साथ हमने लिए हैं 2 से 3 टेबलस्पून, जैसा आप लेना चाहें, देसी घी। 1.5 चम्मच मैंने पिसा हुआ अनारदाना पाउडर लिया है, चुटकी भर हींग ली है, 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इन सभी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब हम गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई में ये घी डालेंगे और इसको मेल्ट होने देंगे। घी मेल्ट हो गया है, अब हम गैस को बिल्कुल धीमी आंच पे करके और इसमें डालेंगे हींग, जीरा, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, अनारदाना पाउडर और नमक। और इसको सारे मसालों को कुछ सेकेंड्स के लिए भून लेंगे। ये मसाले भून गए हैं, अब हम इसमें डाल देंगे ये काले चने। काले चने हम सारे नहीं डालेंगे, थोड़े से रख लेंगे। और इसको एक बार मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा पानी। ये मैंने इसमें 3/4 कटोरी पानी डाला है। ये जो थोड़े से चने हमने बाउल में रखे हैं, इनको हम इस मैशर से मैश करके फिर डालेंगे। ये हम मैश किए हुए छोले डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम 5 से 7 मिनट गैस को मीडियम आंच पे कर देंगे और 5 से 7 मिनट इसको इसी तरह से चलने देंगे। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और चने भी हमारे हो गए हैं। एक चीज बताना मैं आपको भूल गई थी कि चनों को उबलते टाइम मैंने 1 चम्मच नमक भी डाला था और इसीलिए हमने बाद में ज्यादा नमक नहीं डालना है चनों में। ये हमारे चने रेडी हैं, अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको गर्म गर्म सर्व करेंगे। ऐसे ही स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए कुक एट होम विद निधि मेहता को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।